आप देख रहे हैं दखल न्यूज। कांग्रेस के अधीर रंजन चौधरी बीजेपी के निशाने पर, बीजेपी ने कहा जी को सिर्फ एक परिवार की एक ही महिला की चिंता। एनसीपी के शरद पवार का बड़ा खुलासा, मोदी ने महाराष्ट्र में साथ सरकार बनाने के लिए कहा था। बीजेपी नेता शिवराज सिंह का बयान, दुष्कर्मियों को तड़पा तड़पा कर मारा जाए। समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला पर कांग्रेस नेता ने लगाया कंपनी हड़पने का आरोप। और हिंदुत्व की तरफ बढ़ती कांग्रेस, अब मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार करवाएगी रामलीला। नमस्कार, मैं हूं सत्यम शर्मा, आप देख रहे हैं दखल न्यूज। अब खबरें विस्तार से। लोकसभा में भाजपा कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी के सोमवार को दिए गए बयान पर हमलावर नजर आई। भाजपा सांसद पूनम महाजन ने अधीर रंजन चौधरी पर निशाना साधते हुए कहा कि निर्बल तो आप हैं दादा, कि एक ही परिवार की महिला के लिए आप खड़े हैं और उसी के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। इसके पूर्व पूनम ने कहा कि सोमवार को जब सभी सांसद तेलंगाना में महिला डॉक्टर के सामूहिक दुष्कर्म और हत्या पर एक साथ खड़े थे, कुछ समय बाद जिनके नाम में धीर है, ऐसे अधीर रंजन जी अपने धीर का बांध टूट गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर उन्होंने जो टिप्पणी की वो सबसे बुरा हुआ। पूनम महाजन ने कहा कि निर्बल तो आप हैं दादा, कि एक ही परिवार की महिला के लिए आप खड़े हैं और उसी के सम्मान और सुरक्षा के लिए लड़ रहे हैं। पूनम महाजन ने कहा कि जो महिलाओं का सम्मान नहीं करते, उनको बोलने का कोई अधिकार नहीं है। निर्मला सीतारमण पर जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने की, उसका मैं खंडन करती हूँ। मैं अधीर रंजन को कहना चाहती हूँ कि निर्बल तो आप हैं, एक ऐसी पार्टी जिसकी अध्यक्ष महिला है, जो देश के लिए काम नहीं कर रही है, सिर्फ परिवारवाद का काम कर रही है, उसके लिए आप खड़े हैं, लेकिन देश की महिलाओं की सुरक्षा के लिए आप काम नहीं कर पा रहे हैं। महाराष्ट्र में तीन दलों की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ सरकार बनाने के लिए कहा था। पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें साथ काम करने का कहा था, लेकिन उन्होंने उनके ऑफर को खारिज कर दिया था। महाराष्ट्र में तीन दलों की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाने वाले एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने दावा किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें साथ सरकार बनाने के लिए कहा था। पवार ने कहा कि पीएम मोदी ने उन्हें साथ काम करने का कहा था, लेकिन उन्होंने उनके ऑफर को खारिज कर दिया था। पवार ने कहा कि मोदी ने मुझे साथ काम करने को कहा था, लेकिन मैंने उनसे कहा कि हमारे व्यक्तित्व संबंध बहुत अच्छे हैं और वे हमेशा रहेंगे, लेकिन मेरे लिए यह संभव नहीं है कि हम साथ काम करें। साथ ही उन्होंने इस बात को खारिज किया कि मोदी सरकार ने उन्हें भारत का राष्ट्रपति बनाए जाने पर ऑफर दिया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी सुप्रिया सुले को मोदी कैबिनेट में जगह दिए जाने का प्रस्ताव जरूर दिया गया था। सुप्रिया सुले पुणे की बारामती सीट से सांसद हैं। गौरतलब है कि पीएम मोदी ने पवार की हमेशा तारीफ की। इतना ही नहीं, विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने शरद पवार पर व्यक्तिगत हमला करने से परहेज रखने को कहा था। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में सरकार पर जारी खींचतान के बीच राज्यसभा के 250वें सत्र के दौरान भी एनसीपी की तारीफ की थी और कहा था कि भाजपा के साथ ही अन्य दलों में सांसदों को भी एनसीपी से पार्लियामेंट के नियमों का पालन सिखाना चाहिए। रोज बलात्कार की घटनाओं ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। जो तकलीफ ये दरिंदे बेटियों को देते हैं, वही तकलीफ उन्हें देकर मार देना चाहिए। आखिर कब तक बेटियां दुष्कर्म का शिकार होती रहेंगी? बलात्कार और फिर हत्या जैसी घटनाओं के बढ़ते आंकड़ों ने अब देश के हर व्यक्ति को सोचने पर मजबूर कर दिया है। बार बार सवाल ये उठता है कि क्यों मासूम के साथ पहले ये दरिंदे बलात्कार करते हैं और उसके बाद उनकी पहचान ना हो उसके लिए लड़की को मार देते हैं। देश में अब कड़े कानून की मांग उठने लगी है। ऐसे में मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने मांग की है कि दुष्टों के साथ दुष्टता का ही व्यवहार होना चाहिए। जो तकलीफ ये दरिंदे बेटियों को देते हैं, वही तकलीफ इन्हें देकर मार देना चाहिए।
आखिर कब तक बेटियां दुष्कर्म का शिकार होती रहेंगी। दुष्टों के साथ दुष्टता का व्यवहार ही होना चाहिए। जो तकलीफ बेटी को दी गई वो तकलीफ इन बलात्कारियों को देख के मार देना चाहिए। इनको जिंदा रहने का कोई हक नहीं और मैं तो तड़फा तड़फा के मारना चाहिए। और नहीं तो एक घटना होती, कुछ दिन आंदोलन होते, कैंडल मार्च निकलते, बाद में फिर सब शांत हो जाते, फिर घटना होती है। आखिर कब तक बेटियां और बहनें दरिंदगी का शिकार होती रहेंगी। और इसलिए संसद भी कड़ा कानून बना और एक मांग में सर्वोच्च न्यायालय से करता हूँ, मुख्य न्यायाधीश महोदय से करता हूँ कि ये जो लंबी प्रक्रिया है हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट बलात्कार के मामले में, तो लोअर कोर्ट ने जो सजा सुना दी उसकी पुष्टि करके अगर मौत की सजा दी है तो फांसी के फंदे पर लटका दिया जाना चाहिए, बरसों तक मामले अटके नहीं रहना चाहिए। समाजवादी पार्टी के इकलौते विधायक राजेश शुक्ला पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव और सटई नगर पंचायत अध्यक्ष के पति राजेश शर्मा ने जयमा कंस्ट्रक्शन कंपनी को हड़पने का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि साजिश के तहत उन्हें कंपनी के पार्टनरशिप से अलग कर दिया गया है। विधायक ने 1.5 करोड़ की संपत्ति हड़प ली है। वहीं विधायक राजेश शुक्ला ने इसे राजनीतिक षड्यंत्र बताया है। छतरपुर के बिजावर से समाजवादी पार्टी के विधायक राजेश शुक्ला पर कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश सचिव ने जालसाजी करने का आरोप लगाया है। सटई नगर पंचायत अध्यक्ष के पति राजेश शर्मा ने सपा विधायक पर सत्ता का पावर दिखाकर जयमा कंस्ट्रक्शन कंपनी को हड़पने का आरोप लगाते हुए कहा कि इस कंपनी में वो और सपा विधायक सहित 5 लोग पार्टनर हैं। सपा विधायक ने चोरी छिपे इन्हें इस कंपनी से बेदखल कर दिया है और कंपनी में साजिश के तहत 15% की जगह 25% के पार्टनर बन गए हैं। कांग्रेस नेता का आरोप है कि सपा विधायक ने लगभग 1.5 करोड़ की संपत्ति हड़प ली है, जिसकी शिकायत उसने पुलिस से भी की, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई है। अब मजबूरन उन्हें कोर्ट की शरण में जाना पड़ा है। बड़ी मेहनत करके कंपनी ठाणी करी, पूरा जिला जानत, सब जने जानत, वो आज हमारी कंपनी हड़प कर ली हो, हमें बिना बताए, हमारा हिस्सा बिना दें, हमें कंपनी से बाहर कर दो। वो गजट में जो लिखा दो नवीन नारायण पांडे ने कि राजेश शर्मा अपनी मर्जी से अलग हो रहे, हम कहा था हमारा त्याग पत्र बता देवे, हम शपथ पत्र आप हम देवे तैयार है, कोर्ट में देवे तैयार है, कोनू ऑफिस में या कहूँ हमने जो लिख के दो कंपनी से अलग है, हम ही मालिक थे, पूरे एग्रीमेंट में हमारे साइन थे। आज उनने जांच कूटपीट करी कि वो खाते में पैसा ना आके अलग से हमें बैंक में खाता खुलवाओ और वो बैंक के खाते में पैसा डालने लगे। हमारी जयमा कंस्ट्रक्शन कंपनी है सिविल कार करते जी के ऊपर टेंडर शुरू 2010 से आज लो करीबन 30-40 करोड़ का काम हमारी कंपनी कर चुकी। पार्टनर तो 6 जने थे, बस हम डीटा अपन दे रहे और उनमें पूरे पावर हमें आते थे। और 1/4/2019 में हमें बिना बताए बिना जानकारी के हमें अलग कर दो। इस पूरे मामले में सपा विधायक राजेश शुक्ला का कहना है कि उनके साथ राजनीतिक षड्यंत्र किया जा रहा है। शुक्ला ने राजेश शर्मा पर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्होंने कांग्रेस नेता की पत्नी पर सटई नगर पंचायत में भारी भ्रष्टाचार की शिकायत की थी, इस वजह से वे उन पर कंपनी में हेराफेरी करने का आरोप लगा रहे हैं। निश्चित तौर पर मैं उस कंपनी में पार्टनर था जो राजेश शर्मा ने हम पे आरोप लगाए, उसमें कोई दो राय नहीं। उनका आरोप है कि आपने घोटाला किया है, करीब 2 करोड़ रुपए का घोटाला हो चुका, 35 करोड़ का काम हुआ था 4 साल। मैं तो 15% का भैया पार्टनर हूँ। रही सवाल घोटाले की, तो कोई भी कंपनी होती है, फर्म होती है, उसका हिसाब कागजों में बिल्कुल स्पष्ट होता है। रही सवाल हमारे ऊपर व्यक्तिगत आरोप की, पहला तो आरोप जे आप जे मान के चलिए जी हमारे ऊपर बनता ही नहीं, क्योंकि आपके पावर छिने हो हमें तो मिले नहीं, अब किसको मिले आप उसके ऊपर आरोप लगाइए। मैं समझता हूँ जो पेपर में उसने लिख के दिया है आपको लिखित में, उसमें उन्हीं के ऊपर लगाए हैं, लेकिन टीवी और कैमरे के ऊपर मेरा नाम लिया है क्योंकि जिसमें मसाला बन जाए जी न्यूज के। अयोध्या में जमीन रामलला की है। कोर्ट से आए इस फैसले के बाद मध्य प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भी एक फैसला लिया है। सरकार अब मध्य प्रदेश में सभी 378 नगरीय निकायों में रामलीला का आयोजन कराएगी। रामलीला कार्यक्रम का आयोजन सरकार अपने खर्चे पर कराएगी। मध्य प्रदेश के नगरीय निकाय मंत्री जयवर्धन सिंह ने रायसेन जिले में आयोजित आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम में कहा कि सरकार अब मध्य प्रदेश में सभी 378 नगरीय निकायों में रामलीला का आयोजन कराएगी। उन्होंने साफ कहा कि मध्य प्रदेश में जल्द ही सभी 378 नगर पंचायतों द्वारा पालिकाओं और नगर निगमों में रामलीला मंचन की योजना बनाई जा रही है, जिसके तहत शासन अब इन सभी जगह रामलीला कार्यक्रम का आयोजन अपने खर्च पर करेगी। हमारा ये सपना है कि रामलीला जो पीढ़ियों से
हमारे गांव में बड़े कस्बों में आयोजित होती रहती है। मेरी इच्छा ये है कि हर नगर पंचायत में, हर नगर पालिका में, हर नगर निगम में कुल 378 नगरीय निकाय हैं। हमारा सपना ये है कि हर निकाय में प्रति साल रामलीला आयोजित हो, क्योंकि आज जब मैं बरेली शहर में मेरा प्रवेश हुआ तो मैंने देखा स्वागत किया गया था हिंदू उत्सव समिति से, और वहाँ मैदान था रामलीला का, तो मुझे लगा कि यहाँ पर भी हम राशि इसके लिए देंगे, और मेरी ये इच्छा है कि ऐसी योजना हम हर शहर में लागू करें। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बाड़ी विकास खंड के बरेली में आयोजित शिविर में कुटीर एवं ग्रामोद्योग, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा मंत्री तथा प्रभारी मंत्री हर्ष यादव, स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी तथा नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री जयवर्धन सिंह शामिल हुए तथा प्रदेश सरकार की विभिन्न योजनाओं से हितग्राहियों को लाभान्वित किया। आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के तहत बरेली में विकास खंड स्तर शिविर आयोजित हुआ, जिसमें बरेली में 50 करोड़ से अधिक राशि के विकास एवं निर्माण कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास किया गया। भानुप्रतापपुर के विधायक मनोज मंडावी को सर्वसम्मति से छत्तीसगढ़ विधानसभा का उपाध्यक्ष निर्वाचित किया गया है। मंडावी को उपाध्यक्ष बनाने का प्रस्ताव सीएम भूपेश बघेल, रामलाल कौशिक, केशव चंद्र, रविंद्र चौबे, सत्यनारायण शर्मा, देवती कर्मा, टीएस सिंहदेव और अजय चंद्राकर ने पेश किया, जिसका सदस्यों ने समर्थन किया। उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मंडावी ने कहा कि वे सदन की उच्च परंपराओं का पालन करेंगे और पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि मनोज मंडावी विधानसभा में 3 बार चुने गए आदिवासी नेता हैं। गौरव की बात है कि निर्विरोध चुने गए नेता प्रतिपक्ष रामलाल कौशिक ने कहा कि मंडावी पहली बार विधायक बने तब उनके साथ काम करने का मौका मिला। उनके उपाध्यक्ष बनने से उनकी विधानसभा के साथ साथ बस्तर अंचल को भी इसका लाभ मिलेगा। अजय चंद्राकर ने कहा कि मेरे लिए दोहरी खुशी है, वे मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं। चंद्राकर ने मंडावी के नामांकन में विपक्ष को आमंत्रित करने पर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि हमें बुलाया जाता तो हम भी नामांकन में शामिल होते। उपाध्यक्ष चुने जाने के बाद मंडावी ने कहा कि वे सदन की उच्च परंपराओं का पालन करेंगे और पद की गरिमा को बनाए रखेंगे। ये बड़ी उपलब्धि है, जहाँ विधानसभा में संविधान दिवस पे चर्चा होती है, यहाँ धान के स्थगन पर भी चर्चा होती है, यहाँ रेत खदान के मामले में ध्यानाकर्षण में सभी सदस्यों को प्रश्न पूछने का अवसर माननीय आसंदी से दिया गया, और वहीं दो दो विधेयक पारित हुआ और विधानसभा के उपाध्यक्ष भी चुनाव हुआ। मैं भाई मनोज मंडावी जी को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। पहली बार कोई ट्राइबल विधानसभा का उपाध्यक्ष बना, बहुत बधाई। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद फिर हाजिर होंगे, आप देखते रहिए दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है, रुक करते हैं अगली खबर की ओर। एमपी के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा कि 10 दिसंबर तक 2 लाख मैट्रिक टन यूरिया प्रदेश के विभिन्न जिलों में प्रदाय किया जाएगा, किसानों को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मध्य प्रदेश के कृषि मंत्री सचिन यादव ने कहा, हमने केंद्र सरकार से 18 लाख मैट्रिक टन यूरिया की मांग की थी, मगर केंद्र ने 15,40,000 मैट्रिक टन यूरिया प्रदाय करने की मंजूरी दी, जिसमें मध्य प्रदेश के 2,60,000 मैट्रिक टन यूरिया कम की है। यादव ने कहा, हमने यूरिया की कालाबाजारी रोकने को लेकर बड़े कदम उठाए हैं, जो पहले सोसाइटी एवं प्राइवेट दुकानों का 50-50 का रेशियो था उसे बदलकर 80-20 कर दिया है। अब प्रदेश में 80% यूरिया सोसाइटी से किसानों को दिया जाएगा एवं 20% प्राइवेट दुकानों से बेचा जाएगा। इस सिस्टम में हमने बदलाव किया है और एक आदेश हमने अभी जारी किया है, जिसमें 80% जो खाद है वो हमारी सोसाइटियों के माध्यम से हमारे किसान साथियों को पहुंचाया जाएगा और मात्र 20% जो है प्राइवेट डीलर्स के माध्यम से जो है किसान तक पहुंचाएंगे। यादव ने कहा, केंद्र सरकार मध्य प्रदेश के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, अति वर्षा और बाढ़ से किसानों को बड़ा नुकसान हुआ है, इसकी भरपाई के लिए नियमों के तहत पैकेज मांगा गया था लेकिन सिर्फ 1,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। भरपूर बारिश के कारण रबी फसलों की बोवनी तेजी से हो रही है लेकिन जरूरत की यूरिया मुहैया नहीं कराया जा रहा है।
कांग्रेस ने केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, महंगाई और बढ़ रही बेरोजगारी के खिलाफ एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने केंद्र पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जिला अधिकारियों पर भाजपा के नेताओं को ज्यादा महत्व देने का आरोप भी लगाया। सिंगरौली में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन किया और कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यह प्रदर्शन केंद्र सरकार की आर्थिक नीतियों, बेरोजगारी और महंगाई के विरोध में था। कार्यक्रम के दौरान उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हुई जब कांग्रेस ओबीसी वर्ग के अध्यक्ष लखन लाल शाह ने कहा कि आज भी जिले के अधिकारी हम लोगों की नहीं सुनते हैं, भाजपा के नेताओं को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, जिसके बाद स्थिति बिगड़ने लगी और बीच में ही वरिष्ठ नेताओं को हस्तक्षेप करना पड़ा। उन्होंने कहा कि हमारा निजी मामला है, पार्टी फोरम में इस पर विचार किया जाएगा। AICC और सीधी संगरौली लोकसभा प्रभारी हरिकेश त्रिपाठी ने केंद्र पर आरोप लगाते हुए कहा कि मोदी सरकार लोकतंत्र की कर रही है। पीएम मोदी राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद पर हस्तक्षेप करते हैं, राज्यपाल के माध्यम से सरकार बनाने में बाधा उत्पन्न करते हैं। केंद्र सरकार की जन विरोधी नीतियों और वादा खिलाफी के खिलाफ ये मेरा आंदोलन था और ये तो एक प्रदर्शन था बहुत संक्षिप्त में। इसके माध्यम से हमने राष्ट्रपति को ज्ञापन दिया है और हमारा एक विशाल प्रदर्शन जो होने जा रहा है वो 14 तारीख को 14 दिसंबर को लखनऊ में सोनिया जी के नेतृत्व में, राहुल जी के नेतृत्व दिल्ली में उसको हम करने जा रहे हैं। प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री महेंद्र सिंह चौहान ने कहा कि नरेंद्र मोदी का झूठा नारा आज भी याद है, जिसमें कहा गया था कि देश के सभी नागरिक के खाते में 15-15 लाख दिए जाएंगे, जो कि अभी तक नहीं आए। महेंद्र सिंह ने नोटबंदी का जिक्र करते हुए केंद्र सरकार को दोषी बताया। महेंद्र सिंह ने 14 जनवरी को दिल्ली के रामलीला मैदान में सभी कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचकर विरोध प्रदर्शन करने की बात कही। छत्तीसगढ़ पुलिस की मुहिम अब रंग लाने लगी है। भटके ग्रामीण जो नक्सलवाद का रास्ता अपना चुके थे, वे अब धीरे धीरे मुख्य धारा की ओर लौटने लगे हैं। ये सभी नक्सली छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर कर रहे हैं। इसी क्रम में 1 लाख के इनामी नक्सली DKMS अध्यक्ष सन्ना हेमला ने भी सरेंडर कर दिया है। लगातार नक्सलवाद का रास्ता छोड़कर नक्सली मुख्यधारा की ओर लौट रहे हैं। इसका बड़ा कारण सरकार की पुनर्वास नीति को माना जा रहा है, जिसके तहत नौकरी के साथ साथ सरेंडर हुए नक्सलियों को प्रोत्साहन राशि भी दी जाती है। अभी हाल ही में 1 लाख के इनामी नक्सली DKMS अध्यक्ष सन्ना हेमला ने भी सरेंडर कर दिया है। सन्ना हेमला ने अपने नक्सलियों साथियों के चंगुल से भागकर दंतेवाड़ा SP अभिषेक पल्लव के सामने सरेंडर किया है। सन्ना हेमला मलंगीर एरिया में सक्रिय था, लेकिन सरेंडर करने के बाद उसे 10,000 की प्रोत्साहन राशि SP ने दी। नक्सलियों के चंगुल से किसी तरह भाग कर वो आके कल रात में पुलिस कैंप पोटाली में सरेंडर हुआ है। उसने बताया कि कैसे ग्रामीण जब से नया कैंप बना है उस कैंप के संपर्क में आना चाहते हैं, कैंप से कैसे उन्हें फायदा हो रहा है और किस तरह नक्सली गांव वालों की पिटाई करते हैं, मारने की धमकी देते हैं, जो नक्सलियों के कहने पर पुलिस के खिलाफ विरोध नहीं करते। इस सन्नू के सरेंडर होने से जो नक्सलियों का दबाव और उनकी जो खोखली विचारधारा है वो जनता के सामने आ रहा है निश्चित रूप से। इससे हमें काफ़ी सारी इंसाइडर इन्फॉर्मेशन मिली है, जिसके ऊपर लगातार नक्सली ऑपरेशन चलाए जाएंगे और उस इलाके में शांति और विकास जो है वो कायम किया जा सके। पेट्रोल पंप संचालक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले गिरोह के 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इन आरोपियों से 2 अन्य लूट की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है। पुलिस ने आरोपियों के पास से लूटी हुई रकम सहित लाइसेंसी पिस्टल जब्त कर ली है। छतरपुर पुलिस ने बिजावर में पेट्रोल पंप संचालक के साथ लूट की घटना को अंजाम देने वाले 7 आरोपियों में से 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है इसी गैंग ने 2 और लूट की घटनाओं को भी अंजाम दिया था। पुलिस ने लूटी गई रकम सहित लाइसेंसी पिस्टल को भी जब्त कर लिया है। गौरतलब है कि बीते दिनों बिजावर में पेट्रोल पंप संचालक रवि अग्रवाल के साथ लगभग 2 लाख सहित उनकी लाइसेंसी पिस्टल को लूटकर उनके साथ मारपीट की गई थी, जिस पर व्यापारियों ने बिजावर बंद कर प्रदर्शन किया था। व्यापारियों के प्रदर्शन के बाद पुलिस हरकत में आई और पुलिस ने इस लूट के साथ रंगोली और पिपट में हुई लूट का भी खुलासा कर दिया। सभी लूटों में इस गैंग के लोगों का हाथ होना बताया जा रहा है। बैठक में पुलिस ने एक चोर गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए चोरों के पास से 5 मोटरसाइकिल बरामद की है, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सिंगरौली के बैठन में 5 बाइक के साथ एक चोर गैंग पकड़ा गई है।
चोरी की अलग अलग घटनाओं की पड़ताल में जुटी पुलिस को एक पेशेवर गिरोह के कब्जे से 5 मोटरसाइकिल बरामद हुई हैं, जिसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए है। पुलिस ने आरोपियों के विरुद्ध आपराधिक मामला दर्ज कर चालान पेश किया है। चोर चोरी की मोटरसाइकिलों का नंबर बदलकर शहर में चलाया करते थे। एसपी अभिजीत रंजन ने कार्रवाई का खुलासा करते हुए बताया कि टीआई अरुण पांडे के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम द्वारा की गई खोजबीन में आरोपी मोहम्मद अकरम, मोहम्मद अख्तर, मोहम्मद कलीम, हाकिम, गोपी गुप्ता, सुधीर विश्वकर्मा के कब्जे से हीरो होंडा बजाज की 5 मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। आरोपियों के विरुद्ध पुलिस ने मामला दर्ज कर कोर्ट में पेश किया है, जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है। 5 मोटरसाइकिल जो अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों से चोरी हुई थी, जिनके मामले कोर्ट से दर्ज हैं, उसको हमने रिकवर किया है। साथ ही गिरोह बना करके मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 5 आरोपियों को हमने गिरफ्तार किया है, जिसमें गैंग लीडर भी गिरफ्तार हुआ है। इसकी टीम में ऐसे लोग भी शामिल हैं जो मैकेनिक, गाड़ियों की मैकेनिकल जानकारी रखते हैं। पूछताछ में भी हमें पता चला है कि ये लोग गाड़ियों के नंबर प्लेट के साथ भी हेरफेर करते थे। अतः चोरी के साथ साथ इसमें हमने 420 की धराई भी बढ़ाई है। रीवा के जवा में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना जागरूकता सप्ताह का शुभारंभ किया गया। योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को योजना के प्रति जागृत करने के साथ ही उनको इस योजना से जोड़ना है, ताकि महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा इस योजना का लाभ मिल सके। महिला बाल विकास विभाग, स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने भारत सरकार के द्वारा चलाई जा रही मातृ वंदना योजना का शुभारंभ किया। एक सप्ताह तक चलने वाले इस कार्यक्रम में ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना से जोड़ने पर बल दिया जाएगा, ताकि वे इस योजना का लाभ ले सके। योजना के प्रति महिलाओं को जागरूक करने के लिए सोशल मीडिया का सहारा लिया जाएगा, साथ ही गांव, पंचायत व ब्लॉक स्तर पर प्रभात फेरी, रैली तथा मैराथन का आयोजन भी किया जाएगा। इस मौके पर परियोजना अधिकारी मालती पांडे ने बताया कि भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के निर्देशानुसार जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों और खासकर गर्भवती महिलाओं को मातृ वंदना योजना के प्रति जागरूक करना है। योजना के तहत महिलाएं गर्भावस्था के दौरान 5,000 रुपए की धनराशि प्राप्त कर सकती हैं। इस मौके पर सरपंच और अधिकारी सहित बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। अंतर्राष्ट्रीय तानसेन महोत्सव 16 दिसंबर से ग्वालियर में शुरू होगा। तानसेन महोत्सव में देश और दुनिया के बड़े कलाकार शिरकत करते हैं, जिसको लेकर संभागीय स्तर की बैठक हुई, जिसमें कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी पहुंचे, लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमर अतिथियों के चयन को लेकर खासे नाराज दिखे। 16 दिसंबर से ग्वालियर में शुरू होने वाले अंतर्राष्ट्रीय तानसेन महोत्सव की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं। तैयारियों के चलते एक बैठक रखी गई, जिसमें कमलनाथ सरकार के मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर भी पहुंचे, मगर अतिथियों के चयन को लेकर काफी नाराज दिखे और उन्होंने दो टूक शब्दों में संस्कृति विभाग को कहा कि उनके मुताबिक अतिथि नहीं होंगे तो वे कार्यक्रम में नहीं आएंगे। दरअसल 5 दिवसीय तानसेन महोत्सव ग्वालियर में हर साल मनाया जाता है, जिसमें देश और दुनिया के जाने माने कलाकार शिरकत करते हैं, लेकिन प्रद्युमन सिंह तोमर को किसी ने सूचना दी कि संस्कृति मंत्रालय द्वारा कुछ कलाकारों को ऐसे चयन किया गया है जो कार्यक्रम के लायक नहीं है। ऐसे में स्थानीय कलाकारों की उपेक्षा भी की जा रही है, जिसको लेकर मंत्री भरी बैठक में विफर पड़े। आयोजकों ने मंत्री की नाराजगी को देखते हुए मंत्री को भरोसा दिलाया है कि कार्यक्रम पिछली बार की तरह ही भव्य होगा, साथ ही उनके द्वारा जो भी दिशा निर्देश दिए जाएंगे उसका पालन भी किया जाएगा। ग्वालियर में एक विश्व स्तरीय, एक हमारे महान, जिनके संगीतकार, जिनके नाम लेने ते ही शरीर में थोड़ा सा अच्छा लगता है, महान संगीतकार तानसेन जी की स्मृति में जो कार्यक्रम आयोजित होता है, उनके सम्मान के अनुरूप हो, ये हम लोग चाहते हैं। इस संबंध में हमारे आदरणीय नेता श्रीमान ज्योतिराय सिंधिया जी, हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने स्पष्ट रूप से प्रशासन को निर्देश दिया और मैंने भी निर्देश दिया है कि ये हमारे ये कार्यक्रम बड़ा भव्य और उसमें पधारे हुए लोगों के सम्मान का ख्याल रखा जाए।
आप जानते हैं कि हमारे जिले के लिए तानसेन महोत्सव बहुत गौरव का विषय है और इसके इसको एक विश्व स्तरीय बनाने के लिए आज सभी बातों पर चर्चा हुई है और उनको अमलीजामा बनाया जाएगा। 15 दिसंबर से हमारा कार्यक्रम रहेगा और इसमें विश्व स्तरीय रहेगा, उसके लिए हम लोग सभी लोगों को उनके उत्तरदायित्व माननीय आयुक्त महोदय द्वारा सौंप दिए गए हैं, उस पर क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए दखल न्यूज, दखल आपके हक में। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में। देख रहे हैं दखल न्यूज़।